डाकते हुए बाकी निकले थे जो आज कह रहे हैं फलंगिया जा तो बेटी अगर आपका कदम नहीं चुनेंगे तो माफ के आपका जूता मेरा थी भाई। और आप जमा अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। राजनाथ यादव जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज आप लोग क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मांग है? मैं यहाँ इसलिए एकत्र हुए किसानों को लेकर के हम लोग कि हम लोगों की मांगे जो हैं जो चुनाव के समय मांगी गई थी ये भी पूरी नहीं की गई, उसी मांगों को लेकर के हम लोग दोबारा यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या है मेन मांगे आप? मेन मांग ये है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे किसानों की फसलों की लागत मूल्य का दूना दाम देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने काम सस्ते दामों पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराएंगे और नोटबंदी से किसानों को लाभ होगा, गरीबों को हम 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। उन्होंने कहा था कि सस्ते दामों पर खाद बीज और डीजल बिजली उपलब्ध कराएंगे, लेकिन एक भी मांगे उन्होंने हम लोगों ने नहीं मानी है। इसीलिए हम लोग 23 सितंबर को हरिद्वार से पैदल चल करके पद यात्रा करते हुए 2 अक्टूबर को हम लोग गाजियाबाद पहुंचे और वहां केंद्र सरकार ने हम लोग से टकराव किया, लेकिन हमारी 1,20,000 किसानों के समूह को देखते हुए मोदी सरकार ने 12 बजे रात कहा भैया आप लोग किसान घाट जाइए, अपनी यात्रा पूरी करिए, आपकी 15 मांगों में 7 मांगें मान ली गई है, शेष मांगों पर विचार करेंगे। हमारी एक मांग मानी गई है कि 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन वह ट्रैक्टरों पर अब लागू हो गया, उस पर रोक नहीं लगाया गया है। हम लोगों ने मांग किया GST लगाया जाए पेट्रोल डीजल पर, कहें विचार करेंगे, लेकिन अन्य मांगों पर अभी विचार कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए किसान जो है वो जन आंदोलन लिए तैयार हो गया है और 2019 के चुनाव में इनके चुनाव प्रचार में हम लोग गांव-गांव इनका विरोध करेंगे। जय जवान जय किसान। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग अपने दाम के लिए किसानों की फसलों के दूना दाम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ जी, धरना बैठे हैं।